अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे शुरू अपना 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 1 माइनस 2 3 और 4 के इक्वल हो और मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू 0 7 माइनस 3 8 हो, तो दो पार्ट हमने फाइंड करने हैं। पहले में वो कहता है 3 ए माइनस 2 बी फाइंड करें और दूसरे में कह रहा है कि 2 ए का ट्रांसपोज माइनस 3 बी ट्रांसपोज फाइंड करें। तो हम पहला पार्ट जो है वो 3a माइनस 2b जो है वो पहले फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब जैसे कि नज़र आ रहा है कि 3 का मतलब है कि 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है अपने इस मैट्रिक्स a के साथ, लिहाजा हम 3 के साथ a को मल्टीप्लाई जो है वो कर देते हैं। अब a की वैल्यू जो है वो दी हुई है 1 माइनस 2 3 एंड 4 माइनस 2 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 7 माइनस 3 और 8 आ जाएगा। 3 मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 को माइनस 2 से किया माइनस 6, 3 3 जार 9 एंड 4 3 जार 12 माइनस, इस 2 को भी अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, 2 7 जार 14 माइनस 2 3 जार 6 एंड 8 2 जार 16। अब इन दोनों को हमने माइनस कर लेना है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 9 माइनस माइनस 6 12 माइनस 16। सॉल्व करेंगे 3 माइनस 0 3 रह जाएगा, माइनस 6 और माइनस 14 का आंसर माइनस 20, ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 6 और 9 और प्लस 6 जो है वो 15 बन जाएगा और 16 में से 12 में से माइनस 4 निकल जाएंगे तो बाकी माइनस 4 रह जाएगा। ये हमारे पहले पार्ट का जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं ज़रा दूसरा पार्ट इसका सॉल्व। तो जैसा कि दूसरा पार्ट दिया हुआ है, हम देख सकते हैं कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है लेकिन ए के ट्रांसपोज के साथ। इसका मतलब पहले हमें ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी के एलिमेंट्स दिए हुए थे 0 7 माइनस 3 8 और इसका फिर हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब पहले ट्रांसपोज अगर निकालें तो वो आ जाएगा, ट्रांसपोज हमने पढ़ा था कि अगर रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया जाए तो ट्रांसपोज होता है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 फिर 3 और 4 माइनस, इसी तरह इसकी रोज को कॉलम में ले आए तो 0 और 7 फिर माइनस 3 और 8 और ये 3 जो है साथ आ जाएगा। अब 2 को और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आ जाएगा 2 6 माइनस 4 और 4 2 जार 8। इसी तरह 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 9 21 और 8 3 जार 24। अब इन दोनों को माइनस कर लेना है, माइनस करेंगे तो पहली एंट्री में से पहली, फिर इसी तरह दूसरी में से दूसरी, फिर माइनस 4 माइनस 21 और 8 माइनस 24। इसका आंसर कुछ बन जाएगा 2 माइनस और माइनस प्लस 9 9 और 6 15 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 25 और 8 में से माइनस 24 निकल जाएंगे तो बाकी माइनस 16 रह जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा दूसरा पार्ट इसका सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने पहले जो है 2 जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि पहले ट्रांसपोज फाइंड किया है ए का भी और बी का भी। ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दोनों को माइनस कर लेना है और इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में 7 में वो कह रहा है कि अगर ये आपको मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हों तो आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। तो सोल्यूशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 4 2 जार 8 माइनस 6 और 2 को ए से करेंगे तो 2 ए आ जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 वन जार 3 3 बी 8 3 जार 24 और फिर माइनस 12 आ जाएगा और ये मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा 7 10 18 और 1। अब ये लेफ्ट साइड पे दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो ऐड किए जा सकते हैं, लिहाजा हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 3 8 प्लस 3 बी माइनस 6 प्लस 24 2 ए माइनस 12 इज इक्वल टू फिर आ जाएगा ये वैसे ही 7 10 18 और 1।
नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा 7 8 + 3b 18 और 2a - 12 इज इक्वल टू आ जाएगा जी 7 10 18 over 1। तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है, इक्वल मैट्रिसेस जो है वो होते हैं कि अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों, जैसे 7 7 के इक्वल 18 18 के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं इसको 8 + 3b = 10 के एंड 2a - 12 = 1 के। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालने के लिए -8 यानी 3b = 2 रह जाएगा और b = 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2a = 1 + 12 आ जाएगा, 2a = 13 या a = 13/2 यानी ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जाकर डिवाइड, और a = 6.5 भी हम अच्छा लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। यही आपकी आज की डायरी है और अच्छी तरह इसको आपने वीडियो को देख लेना है ताकि आपको सही समझ आ जाए। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो रह गया वो करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।